Hey Siri, what's time right now? It's 1:58 AM. तो गाइज आप साफ साफ देख सकते हैं कि यार सुबह के 1:58 हो गई है और 2 जस्ट बजने वाली है। और मैं एक बार तो रात को सो गया था, लेकिन मेरी जो नींद है वो 12:30 खुल गई थी और मैंने जीतू को एक बार कॉल किया था। और अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 लोग हैं, एक जीतू है और एक मैं हूँ। तो गाइज यार बात यह है कि यार हम लोगों ने काफ़ी दिनों पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कहा था कि यार एक पीछे तालाब है जहां पर रात को कोई भी आता जाता नहीं है। तो यार मैं जो है रात को आराम से सो रहा था, लेकिन यार एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी कि यार क्यों ना हम 2 लोग, एक नहीं तो 2 लोग चल के उस तालाब के अंदर आए। तो गाइस मैंने किसी को भी नहीं बताया है, जीतू और मेरे अलावा, और हम लोग सीधे ही रात को 2 बजे पहुंच गए हैं इस तालाब के पास। अभी हम लोग जो है इस तालाब से दूर खड़े हैं लगभग 200-300 मीटर, लेकिन हम लोग जो है इनके अंदर जाने वाले हैं और अंदर क्या होता है, हमारे साथ क्या होता है और हम यहाँ पर क्या महसूस करते हैं वो हम देखने वाले हैं। जो भी चीज़ होगी हमारे साथ, अगर कुछ भी छोटी बड़ी चीज़ होती है वो साफ साफ आपको मैं बता दूंगा। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अंदर चलने की कोशिश करते हैं और भी रात का जो है 2 बजने वाली है। फटाफट आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार ऐसे खतरनाक जो चैलेंज है वो आप लोग कहते हो कि यार भाई अगर हिम्मत है, दम है तो रात को करके दिखाओ। तो गाइज रात के 2 बज गए हैं बोलते बोलते और अब हम फटाफट शुरू करते हैं। तो गाइज 2:01 हो गई है और अब हम जो है धीरे धीरे उस तालाब के अंदर पहुंचने की कोशिश करते हैं और वहां पर होता क्या है, हम यहां पर लगभग 1 घंटा बिताएंगे उसी जगह जहां पर लगभग 2-3 मौतें हो रखी है। और वो मौतें जो है बिल्कुल सुबह के टाइम हुई थी, लगभग 3 बजे से 4 बजे के आसपास, क्योंकि यहाँ पर पहले जो है गांव वाले लोग पानी लेने के लिए आया करते थे और साथ ही साथ यहाँ पर पता नहीं क्यों किस मिस्ट्री की वजह से मौतें होती थी, लेकिन यार सुबह के टाइम 3 से 4 बजे के बीच में ये मौतें हुई। तो फटाफट हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उस साइड चलते हैं। अभी तो वो जो जगह है वो काफ़ी दूर है, लगभग 200 मीटर है और अब हम उस जगह की ओर चलने का ट्राई करते हैं, देखते हैं कि यार हम दोनों के साथ साथ होता क्या है। और गाइस कमाल की बात ये है कि यार जब भी रात का अंधेरा पड़ जाता है तो गांव वाला कोई भी इस जगह के नज़दीक भी नहीं आता है। और जब भी पहले के ज़माने के अंदर पानी लेने के लिए यहाँ पे आते थे तो ये जो मुख्य मार्ग है, मेन मार्ग यही हुआ करता था और इसी मार्ग से हम लोग अंदर चल रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पर रात के टाइम में कोई भी नहीं भटकता है और अभी रात के बजे हैं 2:02। तो हम लोग यहाँ पर अभी भी थोड़ी दूर बाहर हैं, तो हम कोई भी जीतू तो भी कुछ यूज़ मत लेना वर्ड, जैसे कि आजा वगैरह कोई भी वर्ड यूज़ नहीं लेगा, हो सकता कुछ अनहोनी हो जाए इस वर्ड की वजह से। तो आप लोग इधर देखो, पानी पहले यहाँ तक रहता था लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं है और मेन रास्ता इसका अंदर जाने का यहाँ पर है और लोगों ने दिन के अंदर खुदाई भी कर दी है इसकी, थोड़ा सा इसको बड़ा भी बना दिया है। और जो वो जगह है जो सबसे डेंजरस है वो उस साइड है, उस साइड है और हम लोग उसी साइड चलने वाले हैं। और अभी है 2:03 हो गई है। तो भाई यहाँ पर आते आते जो मेरे पैरों की आवाज़ है वही मुझे पता नहीं अंदर से कैसे फील आ रहा है, बहुत ज़्यादा सन्नाटा है यहाँ पर और मेरे रोंगटे जो है यहाँ से खड़े होने लग गए, सच बता रहा हूँ कसम से। और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी अभी यहाँ पर भटक नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है। और उस साइड बहुत ज़्यादा गहराई है क्योंकि खोद रखा है, तालाब है उस वजह से। तो हम जो है बिल्कुल धीरे धीरे वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर हमारे साथ क्या होता है, हम क्या फील करते हैं वो देखते हैं। तो गाइज अब हम जो है उस जगह के बिल्कुल करीब है, वो जगह थोड़ी ही दूर है, लगभग 50 मीटर या 70 मीटर। तो धीरे धीरे उस साइड चलते हैं। भाई मेरे यार सही में पैर कांप रहे हैं, आराम से जीतो आराम से, मेरे बस पीछे रहे, देखते हैं क्या होता है उधर। और भाई साथ ही साथ मेरे और जीतू के अलावा किसी को नहीं पता कि हम लोग रात के अंदर अभी 2 बजे यहाँ पर आए हैं, किसी को अंदाज़ा नहीं है
सब सो गए, मैंने किसी को भी नहीं बताया है, किसी को भी नहीं बताया मैंने। तो वो जो जगह है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, इस जगह से जो वो डेंजरस वाली जगह है जहाँ पर रात को कोई भी नहीं आता, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। हम लोग थोड़ा और आगे चलेंगे और जो मेन तालाब है अभी वो उस साइड है। और मकड़ी के बहुत ज़्यादा जाले हैं यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और आप लोग देखो, हम उस जगह पे आ गए हैं और पानी वहाँ पर है, थोड़ा आगे। और आप लोग देखो कि ओ भाई क्या बोला यार, उधर कुछ बोला जीतू? हाँ, क्या बोला यार, कुछ ना कुछ कसम से बोला, पता नहीं क्या बोला, लेकिन उधर कुछ फड़फड़ाने की आवाज़ें आ रही है। और गाइज, अब जो मेन जगह है उस जगह पे मैं खड़ा हूँ जहाँ पर ये अनहोनी हुई थी, कुछ सालों पहले हुई थी, बहुत साल हो गए, लेकिन जहाँ पर अनहोनी हुई है मैं उस जगह पे खड़ा हूँ। और आते ही भाई साहब पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आई है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। एक बार इस साइड से आवाज़ आई और दूसरी बार उस साइड से आवाज़ आई, किस चीज़ की पता नहीं, यहाँ से पता नहीं क्या आवाज़ आई और वहाँ पर से फड़फड़ाने की आवाज़ आई है। तो आप लोग देखो, पानी अभी यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक। और ये जो जगह है बहुत ज़्यादा डेंजर है। और अभी हम रात के 2:08 पर यहाँ पर खड़े हैं, देखो रात के। भाई यार, तो भाई प्लीज़ इसके लिए सब्सक्राइब करना बनता है। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो के अंदर, चैलेंज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार। और प्यार दिखाना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्यों नहीं करते यार, आप लोगों को कहने के ऊपर। तो हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं रिस्क लेकर, सिर्फ 2 बंदे, किसी को नहीं अंदाजा। तो फटाफट सब्सक्राइब करो ना यार, यहाँ पर बटन दे रखा है, प्लीज़ जल्दी से करो। और अब हम लोग यहाँ पर कुछ टाइम बिताते हैं, इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। और हमारा कैमरा जो है एनी टाइम चालू रहेगा, कुछ भी मिस नहीं होगा, जो भी होता है हम सब के सामने होगा। तो उधर चलते हैं, आ जा। ओ भाई कुछ फड़फड़ा रहा है उधर, उधर कुछ बोल रहा है कसम से, उधर कुछ पता नहीं क्या है बोल रहा है। और इधर फिर से फड़फड़ाने की आवाज़ आई है। और गाइस सच बताऊँ तो मेरे पसीने छूट रहे हैं, कसम से पसीने छूट रहे हैं मेरे। भाई जैसे मैं वहाँ से एंटर हुआ मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा अजीब लगा और मेरे नाक के ऊपर पसीना आ रखा है। भाई क्या किया जाए, क्या करें, चलते हैं घर पे, हैं घर पे चलते हैं, थोड़ा रुकें यार, अभी तो जस्ट आए ही हैं, 10 मिनट हुए हैं अभी, चलते हैं अभी। भाई कुछ तो आवाज़ आ रही है तेरी को, समझो तू यार, टाइम सही नहीं है अभी। वो बात तो तेरी सही है, थोड़ा वेट करते हैं, विश्वास रख, जो भी होगा देखते हैं। 2 ही बंदे हैं, वो ले जाने वाला भी नहीं है यहाँ पे, किसी को तो यार पता चलेगा, सुबह तक पता चलेगा, तब तक हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, कहीं और भी रहेंगे। ऐसी फालतू की बातें मत कर, देख मोरल डाउन मत कर मेरा, ठीक है, उधर चल, मोरल डाउन मत कर, इधर चल, जो भी होगा देखते हैं, ठीक है, जाएंगे तो दोनों कोई साथ ही जाएंगे, जाएंगे। अरे तू यार ऐसी फालतू की बातें मत कर यार, क्यों कर रहा है, जो भी होगा देखा जाएगा ना, भगवान भरोसे, माता रानी के भरोसे छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, तू आराम से टेंशन ना ले, आगे मैं खड़ा हूँ अभी। वर्ड यूज़ नहीं ले सकते गाइस, तो मैं इसको इशारा करके यूँ कर रहा हूँ। और उस साइड से बहुत ज़्यादा कुत्ते भौंकने की आवाज़ें आ रही है। भाई जब से हम, मैं कसम से सही सच बता रहा हूँ, जब से वहाँ से हम उस मेन जो रास्ता है वहाँ से एंटर हुए, तब से मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, और क्यों पता नहीं यार, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। ये बोलता है कि चलते हैं, मैं बोल रहा हूँ नहीं, थोड़ा वेट करते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें तो आ रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। और ये यहाँ पर जो पानी है ये बहुत ज़्यादा डेंजर है भाई, इसको मैं बिल्कुल
पास में भी नहीं जाना चाहता, तू पीछे आ जाओ, पीछे आ जा, पास में मत जा, यहीं से दिखा दे। इसके मैं बिल्कुल करीब भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये एक ऐसा पानी है बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। और पता नहीं क्यों जो भी दो तीन बंदे ऐसे हैं जो पानी लेने के लिए आए थे सुबह सुबह, और वो वापस ही नहीं घर आए, और हम रात के 2 बजे इसी जगह पे खड़े हैं। देखते हैं कि अब होता क्या है। तो गाइज अभी जो टाइम है वो 3:02 हो गई है, और आपको एक बार कंफर्म करवा देता हूँ। है सीरी व्हाट्स टाइम राइट नाउ? इट्स 3:03 AM। 3:03 सुबह की। तो अब हम थोड़ा थोड़ा जो है इस तालाब के किनारे किनारे चलते हैं, और अभी जो है भाई साहब 1 घंटा हो गया है, हमें 1 घंटे से ज़्यादा कुछ मिनट हो गई है, और हम लोग बिल्कुल अबनॉर्मल फील कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर आने के बाद में बहुत ज़्यादा पसीना आने लग गया भाई, बिल्कुल ठंडी रात है लेकिन पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग जो है इस तालाब के किनारे किनारे चलते हैं, मैंने अभी भी इसके किनारे किनारे नहीं चले हैं, तो भाई धीरे धीरे इशारों में समझाना पड़ रहा है इसके। तो आप लोग देखो बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर हैं जो कि मुझे उस साइड धकेल रहे हैं, लेकिन मैं जा नहीं रहा। मैंने बस रात के अंदर चप्पल पहन रखी है, कोई शूज़ वगैरह मैंने नहीं पहना है, और शूज़ जीतू ने भी नहीं पहना है, इसने भी चप्पल पहनी है। और भाई फिर से आवाज़ आई कुछ उस साइड से जहाँ हम लोग चल रहे हैं, उसी साइड से फिर से आवाज़ आई, फिर से आ रही है। तो पीछे वहाँ पे क्या गिरा? तूने कुछ फेंका क्या? नहीं 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 फेंका, वहाँ पे कुछ गिरा, अभी तेरी कसम कुछ गिरा, आई डोंट नो क्या गिरा, लेकिन गिरा जरूर यहाँ पर पानी में। मुझे नहीं पता कैमरे में आया है, रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ गिरा जरूर है भाई। ध्यान से आना हो जी तो भाई, यहाँ पर तो हाल बेहाल है, बिल्कुल कंटीली झाड़ियाँ हैं उधर आप देखो तो, आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ हैं, और उधर आगे जाने का रास्ता ब्लॉक है, आगे हम जा ही नहीं सकते। और अब हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से जो डेंजरस टाइम है वो टाइम हम बिता चुके हैं। और भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा मकड़ियाँ हैं यार, मेरे मुँह के ऊपर बहुत ज़्यादा मकड़ियाँ चल रही थी, जाले हो गए उसके, और यहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा मकड़ियाँ हैं। और अभी आप टाइम देखो तो टाइम हो गया 3:05 सुबह के, जो समय था डेंजर वाला वो हमने यहाँ पर, भाई कुछ ना कुछ फिर से आवाज़ आ रही है उधर उस साइड से, उस पेड़ से आ रही है, पता नहीं क्या है। तो गाइस हम बिल्कुल नहीं रुकने वाले हैं भाई, बंद कर दे कैमरा भी, अभी बंद कर दे, जो भी बाद में बोलना बाद में बाहर बोलेंगे, बंद कर दे। निकलो यहाँ से, निकलो फटाफट, कहाँ से आए थे यार, किधर से आए थे हम? नहीं यार उस साइड से हाँ। नहीं नहीं उस साइड से नहीं आए थे, इधर से, इधर से भाई, एक तो रास्ता बिल्कुल भटक गए यार पता नहीं क्यों। तो गाइस यार हम लोग बिल्कुल भी वहाँ पे अब नहीं रुके हैं, और हमने जो है 2 बजे एंटर किया था, और हम 3:15 पर बाहर आए हैं, और अभी हम लोग जो है 200-300 उस जगह से दूर हैं। भाई एक चीज़ बताऊँ, सच बता रहा हूँ, जो भी मैंने फील किया कसम से, हम जैसे मेन मार्ग से एंटर किए तब से मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पर पसीना आ रहा था। रात के 2 बजे आपको पता है बहुत ज़्यादा रात जो है ठंडी हो जाती है, पसीना आने का कोई भी चांस नहीं रहता, लेकिन जब तक मैं वहाँ पर 1 घंटा और 15 मिनट वहाँ पर रहा, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आया, और भाई बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा आवाज़ आई, पता नहीं किस चीज़ की आई, लेकिन हमने कुछ नहीं देखा और महसूस ऐसा किया था भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है उस जगह में। और रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत गड़बड़ थी उस जगह में, सच बता रहा हूँ गड़बड़ थी। तो गाइस यार आप लोग ऐसी जगह पे बिल्कुल मत जाना, मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ, बिल्कुल मत जाना। हमने आपके कहने पर किया, और हम लोग सिर्फ जीतू और मैंने किया, किसी को नहीं अंदाजा। तो गाइस यार इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही बोल पाऊँगा, अगर कुछ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, हम मिलते हैं कुछ कमाल धमाल और नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।